इंडिया से किसी ने पूछा, मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है, वो इससे मिलता था, मुझे अफसोस होता था तो मैंने इसका निकाह पढ़ा दिया। दो दोस्त लड़की की तरफ से थे और दो हमारी तरफ से। मैंने खुतबा वगैरह नहीं पढ़ा, बस इन लोगों से पूछ लिया कि तुम्हें कबूल है। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया, क्या निकाह हो गया? अगर हो गया तो इन लोगों का मिलना जायज़ हो जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में दोनों के घर वालों को मालूम नहीं है। देखें, कबूल है का मतलब निकाह ही कबूल है मुराद थी ना आपकी, तो अगर इस तरह से दो गवाहों के सामने जाबो कबूल हो गया तो निकाह हो गया, बशर्ते कि ये लड़का जो है लड़की का पैरेलल हो, हमपल्ला हो, जोड़ का हो। अगर उससे बहुत ही माली लिहाज से या दीनी एतबार से बहुत ही कमतर है तो फिर निकाह नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली बराबर ही होते हैं आमतौर पर, तो फिर निकाह हो गया है। लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए। अब जब हो गया निकाह तो ज़ाहिर है इनका अमल ज़िना नहीं है, लेकिन ये काम इसको अप्रिशिएट नहीं करती शरीयत। लड़की अपने बाप से छुप के निकाह करे, शरीयत में ये काबिल तारीफ़ अमल नहीं है। दूसरी बात ये कि इनको अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये उसको गिरा नहीं सकते हैं, ये गुनाह होगा, क्योंकि हलाल बच्चा है बिल्कुल, वो उसको नहीं गिरा सकते। वो इनको बताना पड़ेगा हम निकाह कर चुके हैं पहले। तीसरी बात ये कि अगर मर्द इस बीवी को छोड़ता है, अपनी गर्लफ्रेंड को तलाक़ देता है, यानी जो पहले गर्लफ्रेंड थी, तो लड़की इद्दत के बगैर कहीं और निकाह नहीं कर सकती। तो होता ही है कि छुप के निकाह किए हुए होते हैं, फिर माँ बाप बच्ची का निकाह कहीं और तय कर देते हैं, इधर से तलाक़ हुई नहीं होती या दे नहीं रहा होता ये, तो वो वैसे ही कर देते हैं। तो ये जायज़ नहीं है भाई, ये तलाक़ जब तक नहीं देगा तो कहीं और ये निकाह थोड़ी कर सकती है। तो लड़कियाँ लटक जाती हैं, बाज़ तो क्या करती हैं, इसके निकाह के होते हुए कहीं और निकाह कर लेती हैं, वो सारी ज़िंदगी ज़िना होता है फिर वो। और फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि माँ बाप लड़की का कहीं और निकाह तय करते हैं और डेट भी तय कर देते हैं। अब लड़की ने यहाँ से तलाक़ ली मगर इद्दत पूरी नहीं हुई और माँ बाप को बता भी नहीं सकती वो। तो ये बीसियों किस्म के बखेड़े हैं इसमें, तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। अब कर लिया है तो फिर उसमें पूरा प्रोसेस, अगर कहीं और इसके माँ बाप ने निकाह तय कर दिया तो लड़की इस मर्द से तलाक़ लिए बगैर वहाँ निकाह नहीं कर सकती, और अगर इसने तलाक़ नहीं दी तो बस ज़िंदगी भर इसी के साथ गुजारेगी, और अगर दे दी तलाक़ तो इद्दत के बगैर वहाँ निकाह नहीं कर सकती, और अगर हमल ठहर गया तो फिर बच्चे की माँ बनेगी और ये उसका बाप बनेगा, बच्चे को नहीं गिरा सकते ये लोग।